तो क्वेश्चन तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इरडो का 1.153 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.153 प्रॉब्लम्स। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ मास एम, इसका ही मास एम है, इसका ही मास एम है, लिंक टुगेदर बाय द कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस साई। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है जिसको साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। The cube are also connected by a thread which is burned through a certain moment. इसमें एक क्या है, थ्रेड है जिसको कट कर दिया जाता है। फाइंड ए पार्ट एट व्हाट वैल्यू डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द लोअर क्यूब विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बर्न थ्रू। कह रहे कि अगर ये तो सही भी तो है, अगर एक ब्लॉक हो और दूसरे ब्लॉक को तुम ऐसे प्रेस करो और हाथ हटा दो, तो ये अगर तुम कम प्रेस किए रहोगे तो नीचे वाला ब्लॉक वहीं पर रहेगा और ऊपर ब्लॉक सिर्फ ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर तुम इसको ज्यादा प्रेस करो और छोड़ दो तो जैसे ऊपर जाएगा ना, तो एक टाइम ऐसा है कि नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। तो कह रहा है कि कितना ज्यादा उसको कंप्रेस करो, इनिशियल कंप्रेशन क्या हो उस स्प्रिंग का, ताकि जब हम रस्सी को बर्न करें और छोड़ें तो जब वो ब्लॉक ऊपर की ओर जाए तो नीचे एक ब्लॉक ऊपर की ओर रेज हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है डेल्टा एल कितना होना चाहिए ताकि नीचे वाला ब्लॉक ऊपर को उठ जाए। फिर कह रहा है टू व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम विल राइजेस इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज इतना। कह रहा है अगर इनिशियल कंप्रेशन 7 mg/kg है, 7 mg/kg इनिशियल कंप्रेशन, तो जब हाथ बर्न करोगे उसको तो बताओ पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा। ठीक है, चलो तो हम फिर एक बार स्क्रीन शेयर पे चलेंगे। देखो तो ये ब्लॉक है जिसका मास एम है, ये ब्लॉक है जिसका मास एम है। क्वेश्चन नंबर 1.153, स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब क्या करना है, इस ब्लॉक को कंप्रेस करना है ताकि ये उठ जाए। कितना कंप्रेस रहे ताकि ये उठ जाए, सरफेस छोड़ दे। तो नीचे वाला ब्लॉक का सरफेस छोड़ने का ब्लॉक ऑलरेडी कंडीशन कंप्रेस जैसे। इनिशियली कंप्रेस रहे, तो हाँ मैं पूछ सर, रहा हूँ कि कितना कंप्रेशन हो ताकि नीचे वाला ब्लॉक सरफेस छोड़ दे। तो ये ब्लॉक मान लो ए है, ये ब्लॉक मान लो बी है, तो अब ब्लॉक ए पे हम लोग कंडीशन यूज करेंगे सरफेस छोड़ने का। तो कंडीशन टू लीव सरफेस, कंडीशन टू लीव सरफेस बाई ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए की एबीडी बनाओगे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर को दिखाओगे, दैट विल बी के एक्स, तभी तो सरफेस छोड़ेगा। अगर स्प्रिंग नीचे को प्रेस करेगा तो क्या ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा? नहीं, एमजी नीचे को काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर है। ठीक है, और जिस वक्त ये सरफेस छोड़ रहा होगा, जिस वक्त ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा, उस समय इस के एक्स की वैल्यू इस एमजी को बैलेंस करेगा। मतलब के एक्स कम से कम ये के एक्स इतना होना चाहिए, मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि के एक्स एमजी से ज्यादा होना चाहिए, या कम से कम ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि ये इक्वेशन होल्ड करे। तो अगर मान लो x1 है तो यहां से x1 की वैल्यू आ गई, दैट इज mg अपॉन k। अब पता है ये सरफेस से नीचे वाला ब्लॉक सरफेस कब छोड़ेगा? ब्लॉक a, जब ये स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगी। क्योंकि अगर ये थ्रू आउट द मोशन अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो नीचे वाला ब्लॉक सरफेस नहीं छोड़ेगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि कंडीशन टू लीव द सरफेस। ठीक है, तो ये आ गया कि x1 इक्वल्स टू mg अपान के, मतलब नीचे वाला ब्लॉक तब इस सरफेस को छोड़ेगा जब ऊपर की स्प्रिंग इतना इलॉन्गेटेड होगी, तभी जाके ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा और ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करते हैं। मान लीजिए कि ये नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजिशंस, और यह ब्लॉक इस नेचुरल लेंथ के ऊपर जाना चाहिए। कितना डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए? तो इतना डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए, दैट इज x1 mg अपान के। इतना डिस्टेंस जब ऊपर जाएगा तब जाके नीचे वाला ब्लॉक ना सरफेस छोड़ेगा। क्यों नहीं ऐसा होगा भाई? नीचे ब्लॉक सरफेस कब छोड़ेगा? जब ऊपर वाला ब्लॉक नेचुरल लेंथ के ऊपर इतना डिस्टेंस जाएगा, तब ये स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगी। इलॉन्गेटेड होगी तो इस ब्लॉक को ऊपर को पुल करेगी।
तो ये नीचे ऊपर नीचे ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, ठीक है। ओके, एक लाइन में यूज कर रहा हूं, ऊपर और ब्लॉक को कम से कम इतना दूरी तय करना पड़ेगा, इस या इससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब इस ऊपर वाले ब्लॉक को इस डिस्टेंस से थोड़ी सी ज्यादा तय करना पड़ेगा, मतलब ये। और एक और बात है कि इस ब्लॉक को तुम जितना प्रेस करोगे उतना ही ऊपर तक जाएगा, जितना कम प्रेस करोगे, जितना तुम कम प्रेस करोगे उतना ही ब्लॉक कम ऊपर तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से इतना दूरी तक प्रेस करो, कम से कम इतना दूरी तक प्रेस करो ताकि ये वाला ब्लॉक नेचुरल लेंथ के ऊपर इतना ही दूरी तक जा सके, सके अंडरलाइन जा सके, मतलब वहां पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जस्ट जीरो, जस्ट जीरो। एसएचएम के अंदर जस्ट जीरो का मतलब होता है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये ब्लॉक जब इस स्प्रिंग के अंडर मोशन कर रहा होगा तो ये ब्लॉक एसएचएम के अंदर जा रहा होगा, और यहां पे जाते जाते इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, जस्ट जीरो, मतलब इसको कम से कम इतना प्रेस करो ताकि ये ब्लॉक इस नेचुरल लेंथ के इतना जस्ट इतना ऊपर तक जा सके, तो ये वाला ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा, तो दैट पोजीशन विल बी एक्सट्रीम पोजीशन बिकॉज हियर वेलोसिटी इज जीरो। गुड, ओके। एसएचएम की और खासियत है, एसएचएम की एक और खासियत है क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, लेट दिस इज मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। अगर इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो तुम एमजी नीचे दिखाओगे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर दिखाओगे, दैट इज के एक्स नॉट एट मीन पोजीशन। ये ब्लॉक ए की एबीडी है, सीधा एबीडी है ब्लॉक ए, और ये ब्लॉक बी है तो ये एबीडी ब्लॉक बी की थी। तो मीन पोजीशन पे ब्लॉक ए पे नेट फोर्स जीरो कर दो, करो जीरो, दैट इज के एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स नॉट इज एम जी अपन के, दिस वन इज, एम जी अपन के, गुड। तो ये है मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक और चीज, हर एसएचएम की खासियत है कि मीन पोजीशन एक्सट्रीम के जो बीच की दूरी होती है दैट इज एम्पलीट्यूड, और मीन पोजीशन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होता है। अगर ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक और एक्सट्रीम पोजीशन यहां पाएगा, और कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, तो ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, इसकी बीच दूरी क्या है, एम जी अपान के, एम जी अपान के, टू एम जी अपान के, तो भी बनेगा टू एम जी अपान के, टू एम जी अपान के। तो इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक सरफेस छोड़ दे, तो इनिशियल कितना कंप्रेशन होना चाहिए अगर इसमें रस्सी बंधी थी, तो ये नेचुरल लेंथ से दूरी से लेके यहां तक यही तो कंप्रेशन होगा, तो ये है एम जी अपान के और ये है टू एम जी अपान के। तो कोई पूछे कि इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होना चाहिए, कितना कंप्रेशन होना चाहिए, आंसर इज थ्री एम जी अपान के, एम जी अपान के ए और टू एम जी अपान के ए। तो कहोगे कि इनिशियल जो कंप्रेशन होना चाहिए दिस वन इज एम जी अपान के प्लस टू एम जी अपान के, थ्री एम जी अपन के, एंड दिस वन इज आंसर। समझ में कुछ, फिर रिवाइंड करके देख लेना प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। लो इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका बी पार्ट, इसके बी पार्ट में है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जो डेल्टा एल है, इसकी वैल्यू थ्री एम जी अपन के ना हो, सेवन एम जी अपन के हो, तो बताइए इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा। तो कंफर्म है कि 7 mg अपन के पे तो नीचे वाला भी सरफेस छोड़ चुका होगा, ठीक है। तो मेहनत करते हैं सर, अब ऊपर वाले ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी ना। हाँ भाई, ये बताऊंगा, बट एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
ये एसएचएम का सारे के सारे क्वेश्चंस के। तो सेवन एंजियर मन के करना ना, सेवन एंजियर के मतलब अगर इसको मैं दोबारा ऐसे बनाऊं, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे मास एम का, ये वाला ब्लॉक एम यहाँ पे है, स्प्रिंग ऐसे दिखा दिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ स्पीड जीरो है, और ये मान लो नेचुरल लेंथ है, और ये मान लो मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन तो हमेशा एम जी अपान के ही दूरी पर होगा, जहाँ नेट फोर जीरो है, मीन पोजीशन तो हमेशा एम जी अपान के ही दूरी पर होगा। लेकिन अब की बार ये जो दूरी है दैट विल बी 6 mg अपान के। क्यों भाई? टोटल ना 7 mg अपान के है, ये दूरी ना 7 mg अपान के है, तो ये घटा दो आ गया 6 mg अपान के। अब इस ब्लॉक को जब छोड़ोगे यहां से भागेगा, तो जब वो नेचुरल लेंथ से वापिस यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और ये दूरी कितनी होगी दैट इज एम जी अपान के। जब ये एम जी अपान के पे ये ब्लॉक भाग के आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा, ये वाला ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा। तो यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड भी हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक और चीज, अभी ये वाला ब्लॉक यहां से यहां तक गया तो सेंटर ऑफ मास कितना दूरी आगे की ओर भागा? सेंटर ऑफ मास जो आगे भागेगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक तो भाग नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक भाग रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक कितना दूरी अटेंड किया? ये दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी, ये देखो ये 7 mg अपान के है और ये mg अपान के है, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी 8 mg अपान के। तो सेंटर ऑफ मास कितना दूरी भागेगा? 4 mg अपान के। क्यों? दो मासेस है ना, तो m1x1 + m2x2 / m1 + m1, तो 2m आ गया ना, तो 2 का टर्म टोटल, इसको भाई इसका m इंटू 0 और इसका m इंटू ये दूरी 8 mg अपान के डिवाइड बाई 2m, तो आ जाएगा 4 mg अपान के, प्लस एक और दूरी अटेंड करेगा दैट इज L2। L2 होगा जब ये सरफेस छोड़ चुका होगा, तो यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब SHM की खासियत होती है स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ओमेगा होता है अंडर रूट के अपान एम, ओमेगा इज SHM में अंडर रूट के अपान एम, तो ओमेगा रखोगे के अपान एम। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, इसका मास एम है, SHM तो ही परफॉर्म कर रहा है, ये थोड़ी कर रहा है। और एम्पलीट्यूड कितना था? एम्पलीट्यूड जो होता है वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच दूरी होती है, तो मीन और एक्सट्रीम है, तो बीच दूरी क्या आएगा? 6 mg अपान के, स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा 36 m² g² अपान के स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स मतलब, और एक्स होता है मीन पोजीशन से दूरी इस ब्लॉक की। तो ये जो ब्लॉक ऐसे जब परफॉर्म कर रहा है, इसका मीन पोजीशन से दूरी कितनी है? दैट इज 2 mg अपान के, mg अपान के प्लस mg अपान के, तो स्क्वायरिंग कर दो बन जाएगा 4 m² g² अपान के स्क्वायर। इससे भी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तुम्हें 32 32, और एक एम कट जाएगा, एक के भी कट जाएगा, तो बनेगा m g² अपन के बनेगा v²। अब भी आ गया, तो भी की वैल्यू आ गई तुम्हारी, द स्पीड भी इज नथिंग बट सर वहां पे m/2 होगा सर, कहां पे हमारी होगा? सही, अंडर रूट k/m की जगह k/μ होता है ना, रिड्यूस मास होगा ना अरे वो ये। तब होता है जब ये भी ऐसे परफॉर्म करता, ये सिर्फ ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अगर ये धरती नहीं होती तब लिखते तुम। तो यहां से जो भी की वैल्यू आएगी दैट इज √32 m g² / k, इतना आ गया। अब ये स्पीड आ गई, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी जब ये सरफेस छोड़ेगा? तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2, तो इसका तो स्पीड जीरो है, इसका स्पीड इतना है, तो क्या लिखेंगे? mv + m × 0 / 2m, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हाफ हो जाएगी, दैट इज हाफ। हाफ के अंदर भेज दो तो बनेगा 4 का टर्म, तो बनेगा 8 चौक 32, अंदर आ जाएगा 8 का टर्म, 8 का टर्म। अब पूरा सिस्टम सरफेस छोड़ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन होता है F net = mass × acm, mass × acm होता है। तो पूरे सिस्टम पे, इसके इसके सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो सिर्फ 2 mg है, दैट इज 2 mg 2 mg है। क्यों भाई? ग्राउंड से फोर्स तो लग नहीं रहा है, सरफेस छोड़ चुका है, स्प्रिंग इंटरनल फोर्स है, गायब हो चुका है, तो ये वाला mg नीचे, ये वाला mg नीचे, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स है 2 mg बराबर टोटल मास सिस्टम का, दैट इज 2m इनटू सेंटर ऑफ मास के सम acm, देन acm इज व्हाट? इट इज g। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g हो गया, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी है। अब ये दोनों ब्लॉक ऊपर को कब सेंटर ऑफ मास कब तक ऊपर हो जाएगा? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी है, स्क्वायर कर दो तो बनेगा 8 m g² / k माइनस 2 as, और a सेंटर ऑफ मास का g है, इनटू कितना और मूव किया? L2। यहां से L2 की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 4 mg/k। तो कोई पूछे कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना भागा दूरी? तो 4 mg/k, और ये कितना है? 4 mg/k,
देन वैल्यू इज 8 एम जी अपॉन के, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज 8 एम जी अपॉन के, ठीक है।